इस समय आपको बताने जा रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ कोन अबाउट इट्स स्लैंट एज। एक स्लैंट एज है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना। ये एक सॉलिड सॉलिड कोन है, डिफॉल्ट केस में कोन को सॉलिड कोन माना जाता है, जिसका हाइट एच है, रेडियस आर है। तो बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले मान लिया कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, ये सपोज करिए आई टू के बराबर है, इस वन इज द आई टू, और बाद में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम अगर इस कोन को बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट दें तो आप पाएंगे कि सारी सारी स्ट्रिप का बिहेवियर कैसा है, एक डिस्क की तरह से है। तो हमें डिस्क का हेल्प लेना पड़ेगा। तो डिस्क के लिए आप इसको ध्यान रखेंगे, जिसको मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा। यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको याद रखना है। रिंग के केस में अगर मान लीजिए रिंग है, तो रिंग के केस में अगर कोई कहे कि एक रिंग है, इस एक्सिस के अबाउट स्लैंट एक्सिस है, इस रिंग का रेडियस आर है, मास एम है, और ये वाला एंगल थीटा है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताइए। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, दिस आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको याद रखना है, किसी भी रिंग का उसके सेंटर से पास होने वाले स्लैंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर बाई टू ब्रैकेट में वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। द सिमिलरली डिस्क के लिए अगर कोई बात करे, तो डिस्क के केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर ये एक डिस्क है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, और सेंटर ऑफ इसके सेंटर से पास होने वाले एक स्लैंट एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर आई है, जिसका ये वाला एंगल थीटा है, तो आता है आई एम आर स्क्वायर बाई फोर वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे देखिए, अगर थीटा जब आप 90 प्लेस करेंगे 90, तो एक्सिस ऐसे हो जाएगी, तो उस केस में रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर, थीटा प्लेस करिए 90, तो साइन 90 इज वन प्लस वन, टू से टू कट गया, आ गया एम आर स्क्वायर। डी से केस में कोई पूछे इस एक्सिस के अबाउट, तो थीटा प्लेस करेंगे 90, तो 90 तो ये वन आएगा, ये वन टू बाई टू एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और इसका मैं डेरिवेशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देता हूँ कि कैसे ये आता है, उसके बाद ये कैसे आता है। अब इसी का यूज़ करेंगे हम इस कोन पे, क्योंकि बहुत सारे डिस्क से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स लेंथ पे आया और डी एक्स के एक स्ट्रिप सेलेक्ट कर लिया। ये स्ट्रिप क्या है, डी एक्स का, और ये डी एक्स की स्ट्रिप का क्या बन गया, एक डिस्क बन गया, एक डिस्क बन गया। तो इस स्ट्रिप की जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगी, इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से, अगर ये मान लीजिए डी आई है, इस एक्सिस पर डी आई है, क्योंकि मास डी एम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया डी आई लिखेंगे। तो अगर ये डी आई है, जो कि ये वाला एंगल थीटा है, सपोज करिए, तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा, ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा, क्योंकि ये एक्सिस इस एक्सिस को पैरल मानेंगे ना, फिर लाएंगे पैरल एक्सिस थ्योरम, पैरल एक्सिस थ्योरम। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर डी आई है, तो डी आई क्या लिखेंगे, यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, तो एम के जगह पे डी एम बाई फोर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इस डिस्क का रेडियस है आर, तो अगर ये एक्स है तो ये क्या कहलाएगा, एक्स कॉट थीटा। तो आप इस आर जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स कॉट थीटा का होल स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन वो तो इस एक्सिस के अबाउट आया, लेकिन हमें निकालना इस एक्सिस के अबाउट, तो लगा देंगे पैरल एक्सिस थ्योरम। तो इस एक्सिस के अबाउट जब पैरल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या करेंगे, डी एम इंटू डी स्क्वायर एड कर देंगे, क्या होता है, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई सी एम का रूल ही प्ले करेगा, अब मैं डी आई वन निकालने जा रहा हूँ, डी आई टू इस एक्सिस के अबाउट निकालने जा रहा हूँ। तो इस एक्सिस में मैं पैरल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, तो परपेंडिकुलर ये लिखेंगे ना, ये दूरी, तो इस डिस्क का मास क्या है, डी एम है, तो डी एम इंटू ये दूरी, परपेंडिकुलर दूरी लिखना ना, ये दूरी है, तो देखिए ये लेंथ कितना है, एक्स कॉट थीटा, रेडियस है ना, ये रेडियस, दिस रेडियस इज एक्स कॉट थीटा, ये एक्स कॉट थीटा है। तो कोई पूछे कि बताइए ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, तो अगर ये थीटा है, तो ये कॉस साइन बनेगा ना, क्योंकि एंगल के सामने वाले को साइन बोलते हैं,
तो ये जो लेंथ आएगा परपेंडिकुलर दूरी, इसके इसके बीच की परपेंडिकुलर दूरी वो कितनी आएगी, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, एक्स कॉट थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए क्या, एक्स कॉट थीटा, कॉट थीटा को बाहर ऐसे लिख लीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद डी आई टू निकाल चुका हूँ ना, अब हर डिस्क का, इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, इस डिस्क का इसके अबाउट, इस डिस्क का इसके अबाउट, अगर सबको निकाल के मैं उसको एल्जेब्रिक एडिशन कर दूँ तो क्या हमको नेट मोमेंट फिर से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, और वही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए साइन क्या लिख सकता हूँ, इस साइन को मैं लिख सकता हूँ, ये कॉस अपॉन साइन, तो साइन साइन कट जाएगा, ये क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, दिस इज कॉस थीटा बन गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसको इसके अंदर भेजिए, ये यहां से डीएम निकालने क्या कॉमन, चलो यहां से डीएम कॉमन निकालते हैं, तो यहां से डीएम कॉमन निकालेंगे तो बनेगा डीएम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फोर कॉट स्क्वायर थीटा, यहां मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर आ गया, और फिर यही टर्म्स, अच्छा एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी है, उसको भी कॉमन निकाल लीजिए, तो मैंने क्या डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, फोर को अंदर जाने दीजिए, सिर्फ फोर को, तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई फोर वन से मल्टीप्लाई ओके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई फोर एंड प्लस, अब यहाँ से डीएम और एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अच्छा इस कॉट क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, तो साइन साइन कटेगा तो ये बन जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये फोर और ये फाइव बन जाएगा, तो ये फाइव बाई फोर का टर्म यहाँ बना देगा, ये हटा देंगे। अच्छा ये बन गया क्या, इसको मैं साइन लिख सकता हूँ कॉस बाई साइन, कुछ भाई ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब बन गया ना डीएम, डीएम को रखना बाकी है, तो मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूँ, डीएम जब लिखूंगा क्या, डीएम इज द मास ऑफ दिस स्ट्रिप, तो कैसे आएगा डेंसिटी इंटू इस स्ट्रिप का वॉल्यूम, इस स्ट्रिप का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, बन गया डीएम। अब आर इसका लिखना बाकी है, तो आर क्या है एक्स कॉट थीटा है, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो जब कॉट स्क्वायर थीटा आएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा, कॉट स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए कोई बात नहीं, इस फोर को भी ना इधर भेज दीजिए, फोर को भी यहीं रहने दीजिए, फोर तो दोनों जगह से आया था ना, ठीक है। अब सीधी कैलकुलेशन करते हैं, अब इसको लिख सकते हैं क्या एक्स का पावर फोर, एक्स का पावर फोर डी एक्स, नाउ इंटीग्रेशन, बाकी तो सारे के सारे टर्म ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है ये। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एस तक, तो जीरो से लेके एस तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जब इसको करेंगे इंटीग्रेट आप तो बनेगा एच का पावर फाइव बाई फाइव, तो बन जाएगा एच का पावर फाइव बाई फाइव। अच्छा ये रो है ना, रो को क्या लिख सकते हैं, रो होगा मास डिवाइड बाई पूरे का वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम क्या होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, दिख रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन के लिए, इसको लिख सकते हैं एच का पावर फोर बन जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और थ्री का टर्म ऊपर आ जाएगा, और फाइव का टर्म आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अब एक काम और करते हैं हम लोग, इसे ना एच के यहाँ भेज दीजिए, एच का पावर फोर है ना, ठीक है, और ये पूरा पूरा इससे मल्टीप्लाई फॉर्म में पड़ा हुआ, मल्टीप्लाई फॉर्म में पड़ा हुआ है। अच्छा ये फोर का टर्म यहाँ भेजिए तो ये ट्वेंटी बन जाएगा फोर का टर्म, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं। अच्छा अगर मैं इसको बचाऊँ कि कॉट इट कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा आर अपान एच, आर अपान एच, तो आर का स्क्वायर अपान एच का स्क्वायर बनेगा इसके जगह पे। अब देखिए आर का स्क्वायर इसे कैंसिल आउट करके एच का स्क्वायर इसको कैंसिल करके बना देगा एच स्क्वायर बना देगा, ये बन गया इतना।
अब ये जो टर्म है ना, ये कॉट स्क्वायर थीटा, अब इसको रखना बाकी है। अच्छा, कॉट थीटा को फिर क्या लिखेंगे, आर अपन एच, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर अपन एच का स्क्वायर। और यहाँ क्या करेंगे, फाइव कॉस स्क्वायर थीटा है, तो फाइव इंटू कॉस थीटा, कॉस राइज आर अपन दिस लेंथ, तो आर स्क्वायर अपन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक काम करिए, इसमें आप इसमें एच स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब एच स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या आएगा, एच का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से आर का स्क्वायर आप बाहर निकाल लीजिए, आर का स्क्वायर आप बाहर निकाल लीजिए, तो बन गया इतना। अब देखिए वन है, तो वन एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, इस एच के साथ में क्या बनेगा, सिक्स एच स्क्वायर बना देगा, तो बन गया क्या, सिक्स एच स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ पर आएगा, और नीचे का टर्म ये रहेगा। अब इसके यहाँ भेज दूँ तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस सिक्स एच स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको हटा दीजिए। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट दिस सिलेंटेंस। और किसका है ये, ये है एक सॉलिड कोन का, उसके स्लैंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। ओके, देन थैंक यू। इसका डेरिवेशन बताता हूँ।